अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में बेसन का चीला। तो मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई हरी मिर्ची, कटे हुए हरा धनिया की पत्ती और एक छोटी प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक कप बेसन में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके पानी से एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें ऐसा तैयार करना है कि बेसन में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, और पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला घोल तैयार करेंगे। तो जी, घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट हमारी हो चुकी है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, बेसन के चीले। तो गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया है। तवे में थोड़ा सा तेल डालेंगे, और तेल को अच्छे से तवे पर फैला लेंगे। तो जी, बेसन हमने तवे पर डालकर अच्छे से फैला दिया है। और फिर चीले को पलट देंगे। माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर आया है, देखिए। अच्छे से सेक लेंगे। फिर दोबारा से घोल डालेंगे, और एक और चीला तैयार करेंगे। बेसन को अच्छे से फैलाएंगे। फिर से पलटेंगे। फिर से हमने अपना एक और चीला डाल दिया। Thank you.
माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा। तो हमने इसको दही की लस्सी के साथ बनाया था। तो जी नाश्ता हमारा हो चुका है, मैंने सफाई बर्तन सब चीज़ें कर ली हैं। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ लंच के लिए। तो लंच में हमारे राजमा चावल बनेगा। तो राजमा मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसको वॉश करके कुकर में कर लूँगी। तो राजमा मैंने कुकर में कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो राजमा में हमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखना होता है, तो हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रख लिया था। अब हम इसमें ढक्कन लगाकर रख देंगे 1 चम्मच नमक डालकर। इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। और अब हम इसको रख देंगे गैस पर। फिर इतना हमारे छोले हो राजमा हो रहे हैं, हम चावल भिगो लेंगे। चावलों को वॉश करेंगे। तो जी चावल हमारे वॉश हो चुके हैं, हमने ढककर रख दिए हैं। कुकर भी हमारा गैस पर सीटी आ रही है। हमने मसाले में प्याज काट ली है, हरी मिर्चें काट ली हैं, हरा धनिया की पत्ती और 1 टमाटर, इन सब चीज़ों को हमने काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट। इधर हमारी सीटी भी आ चुकी है, 5 से 6 सीटी हमने इसमें लगा ली हैं। तो देखिए हमारे राजमा भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम 1 कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब उसमें 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को अच्छे से चटकने देंगे। ज़ीरा हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है। हमने उसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे।
प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है हमने। टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्चें कटी हुई, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो हमने इसमें नमक डाल दिया है 1 चम्मच। नमक हमने कम ही डाला है क्योंकि हमने बॉईल करते टाइम भी डाल दिया था इसमें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी डालकर अच्छे से मसालों को भून लेंगे। मसाला हमारा भून रहा है, मसाला हमारा भून चुका है। अब हम अपने राजमा का जो कुकर है उसमें अपना मसाला डाल देंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो हमने कुकर को सीटी लगाकर गैस पर रख दिया है 1 सीटी और लगाने के लिए। अब हमने चावलों के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। 1 कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। हम ज़ीरा राइस बनाने वाले हैं। एक से 1.5 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा हमारा चटक चुका है। अब हम इसमें अपने पूरे चावल डाल देंगे। चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अगर हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो हम डबल पानी डालेंगे, वरना अगर हम कुकर में बना रहे हैं तो हम थोड़ा कम पानी डाल सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा पानी डलता है इसलिए हमने डबल पानी डाला है, यानी 1.5 गिलास हमारे चावल थे तो हमने उसमें 3 गिलास पानी डाला है, 1/2 चम्मच नमक। तो जी चावल हमारे दम में आ रहे हैं। इधर हमारी सीटी भी कुकर में आ चुकी है। तो देखिए हमारे राजमा कैसे बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर, हरे धनिया के पत्ते हमने डाल दिए हैं। तो जी लंच हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारे बेसन के चीले, हमारा लंच राजमा चावल अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।